गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, एक नए टॉपिक की बात करेंगे, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। यूपीएससी में जो पारदर्शिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन का नेचर थोड़ा अलग होता है और यूपीएससी में प्रश्नों का नेचर थोड़ा अलग होता है। और शायद मैं रोज ये कहूंगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ प्रश्न को देखो, आप प्रश्न किस तरह बनेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका ये है पढ़ने का, सबसे बेहतरीन तरीका ये है पढ़ने का कि आप हर एक चीज को क्वेश्चन आंसर फ्रेम में पढ़ो। आप हर एक चीज को आप क्वेश्चन आंसर फ्रेम में पढ़ो। आप इससे क्या होगा, आपके मेंस की अच्छी तैयारी होगी। अरे बातें, और निश्चय आईएएस एकेडमी का एक ऐप है, निश्चय आईएएस एकेडमी का एक ऐप है, उस ऐप पर सारी क्लासेस हमारी लोड है और वहां आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी चल रहा हमारा सैटरडे और संडे। उसमें आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत लगभग 1000 से लेकर 1200 क्वेश्चन, 1000 से लेकर 1200 क्वेश्चन डिस्कस होगा। उम्मीद है कि वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर मैं कहना चाहता हूं, प्रीलिम्स के लिए जो प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, एक तो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो रहा है 2 महीने के लिए, और दूसरा 1 सितंबर से 20 सितंबर के बीच लगभग 20 क्लास चलेगी। लगभग पर डे क्लास हमारी 4 घंटे होगी, और जितने भी 8 महीने का करंट है उस सबको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कराएंगे। ये हमारी कोशिश होगी। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को। चलो बात करते हैं हम लोग टॉपिक पर, पारदर्शिता। एक और बात कहना चाहता हूं कि स्टेट पीसीएस में भी अच्छी वैकेंसी है, यूपी पीसीएस बिहार के वैकेंसी। कोशिश करो कि इस बार प्रीलिम्स रुकने ना पाए, फिर पता नहीं अगली बार कितनी वैकेंसी आएगी। यूपी पीसीएस में लगभग 90 से लेकर 100 पद एसडीएम के हैं, पूरी ताकत लगाओ। अब मैं बार बार कहता हूं, मेंस की चिंता छोड़ दो, आप मेंस में वर्क करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ मेंस में अच्छा होगा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। आप किताब के बोझ तले मत दबो, आप हमेशा ध्यान दो इस बात को, किताब के बोझ तले मत दबो। आप हम सब कुछ नहीं रट सकते, रटने की एक सीमा होती है। इसलिए बार बार कहता हूं कि इंटरलिंक करना सीखो, आप इंटरलिंक करना। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में फ्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, पर क्या उन अच्छी बातों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बात यूपीएससी की बात करूं मैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सीटेट, एसएससी, पुलिस, पटवारी, पीसीएस, आईएएस, सबका क्लास एक साथ ले रहे हैं, एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा रहे हैं वो। और फैक्चुअल नॉलेज, आप फैक्ट के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फैक्ट रटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? हाँ बिल्कुल। ऐप पर जो क्लास है वो पेड है और फीस बहुत कम रखी गई है। हमारी फीस थी पहले 80,000, इसको घटा के 50,000 कर दिया गया है। बीच में फीस बढ़ने वाली थी, फिर उसको रोक लगा दी गई, लेकिन अब फीस बढ़ जाएगी 1 अगस्त से, फी बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो बच्चे इसमें जुड़ते हैं ना
उनके साथ मैं अतिरिक्त मेहनत करता हूं मैं आंसर राइटिंग के साथ। और यदि ऑफलाइन का बैच खुला, ऑफलाइन का बैच खुला, तो फिर आप मेरी मेहनत देखना। आप एक एक चीज में जुबान पर रटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं सारी बातें मैं बता रहा हूं, ये हो चुका है बच्चों के साथ और सिलेक्शन का रेशियो भी बढ़ा। हो सकता आपके साथ भी ऐसा ही हो। और सच मानो मेहनत का कोई जवाब नहीं है और कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। फिर मैं कहना चाहता हूं कि केवल और केवल नोट्स रटने से आपका नहीं होगा। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, शब्द की मीनिंग बताने के वर्ड्स की मीनिंग समझो और उसको इंटरलिंक करना सीखो आप। और जब तक आप इंटरलिंक करना नहीं सीखोगे, तब तक चीजें याद नहीं होंगी और ना तो यूपीएससी के आप प्रश्न सॉल्व कर पाओगे आप। ये जो प्रोग्राम लॉन्च चला रहा हूं मैं, गवर्नेंस की क्लास, इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी क्लास, ज्यादातर मेरे यहां इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फोन आता है और उनका यह कहना है सर ये प्रोग्राम आप इंग्लिश में लाइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी कोचिंग में लोग कर चुके हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। अनावश्यक चीजें बहुत पढ़ाई जाती हैं। आवश्यकता क्या है उसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं क्रक्स को समझो आप। यदि क्रक्स समझ में आ गया ना तो लिख ले जाओगे आप, और लिखना तो मैं सिखा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहो। मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट में मुझे अपने आप पर है कि यदि स्टूडेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको लिखना सिखा देता हूं हमेशा। यदि नंबर कम पाता तो मैं कहता हूं इतना बढ़ा दूंगा। जैसे एक कॉन्फिडेंस की एग्जांपल देता हूं, एक ऐसे स्टूडेंट की जो फिलॉसफी के एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में लगातार 3 बार से कभी 64 पाता था, कभी 69 पाता था, इससे ज्यादा नंबर पाता ही नहीं था वो। 3 बार से आईएएस मेंस लिखा वो, मेरे पास आया, उससे केवल मैंने बातें की। और जो मेंस लिखता है उसके पास नॉलेज कम नहीं होता है, मेहनती होता है, कुछ तो लेवल होगा जिससे मेंस लिखा होगा। जब मैंने उसे बातें की तो मुझे लगा कि इसकी ये कमी है कि और इस कमी को दूर कर दूंगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उसे पूछा कितना नंबर पाते हो, कहा कभी 64 पाता हूं, कभी 69 पाता हूं। तो मैंने इसके आगे एक बढ़ा दिया, मतलब 164 दिलवा दूंगा, 2 महीने मेरे साथ काम करो, या 169 दिला दूंगा। मैंने उसे ये कहा 2 महीने मेरे साथ काम करो आप, इतना ही मैंने कहा उससे। एक सीधे आगे बढ़ा दिया, 100 नंबर जंप करना। जानते हो क्यों? उसकी कमी क्या थी? उसे वर्ड्स नहीं क्लियर था, इंटरलिंक नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं इसे 1 महीने में सिखा दूंगा और 1 महीने में आंसर लिखना सिखा दूंगा। वैसा ही हुआ। मैं रखा था 169 या 164, वो लड़का पाया 178 उस पेपर में, चौथे अटेम्प्ट में पाया 178 नंबर पाया वो। ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि तमाम लड़के जो नंबर पाते हैं उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, बहुत मेहनती भी होते हैं, नॉलेज में कोई कमी नहीं उनके अंदर, विद्वान भी हैं। थोड़ी सी जो कमी होती है इंटरलिंकेज और कहीं कहीं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जो कमी होती है ना, मैं उसे दूर कर देता हूं। और मैं हर बच्चे के साथ कहता हूं मैं कि ये मैं आपको लिखना सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा, यकीन करो आप नंबर जंप कर जाओगे आप। जैसे इथिक्स की बात करूं मैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं 70 मिलता है, 80 मिलता है, 250 में 70-80 मिल रहा है, तब कहां हो आप? सिलेक्शन की उम्मीद मत करो आप यदि 70-80 पा रहे हो तो। मैं ये कहता हूं आप 80 पा रहे हो तो उम्मीद है कि 40 नंबर में आपको बढ़वा दूंगा मैं। 40 नंबर कितनी क्लास में? 35 से 40 क्लास में। मैं कहता हूं मैं बढ़वा दूंगा आपको आपसे, पर वो क्लास चलती 2.5 से 3 घंटे मेरी क्लास चलती है, 35 से 40 क्लास लेता हूं मैं। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैं उसे यही कहता हूं मैं, 2.5 से 3 घंटे की क्लास चलती है, लगभग 100 घंटे की क्लास मेरी होती है,
80-90-100 घंटे की इथिक्स की क्लास होती है वो। आप ध्यान देने इस बात को, जब कहता हूं 40 नंबर बढ़वा दूंगा, ये इत्तफाक है या ईश्वरी कृपा मानो कि स्टूडेंट से यदि 70-12 से 40 नंबर पा जाता है 110 क्रॉस कर जाता वो, यदि 80 पाता है तो 120 क्रॉस कर जाता वो। पर ऐसा मत सोचना कि जो लड़का 140 पाएगा मैं उसे 40 बढ़वा दूंगा, नहीं। यदि कोई लड़का 130 पा रहा है तो मैं सीधे कहता हूं तुम 130 पा रहे हो ना, तो इस नंबर को मेंटेन करो, तुम्हें मेरे यहां क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 तुम बहुत अच्छा नंबर गेन कर रहे हो। आप, मैं उसे ये कहता हूं 130 नंबर पा रहे हो इथिक्स में तो नंबर अच्छा गेन कर रहे हो आप, इसको क्यों मेंटेन कर लो आप। ये इथिक्स की बात करता हूं मैं, कारण क्या है ये बात मैं किस क्यों कहता हूं मैं, कि जो लड़का 70 नंबर पा रहा ना उस बच्चे का कुछ तो लेवल होगा, कुछ तो समझ होगी। बस मैं उसे एक दो दिन बातें करता हूं, बात करते करते ये पता चल जाता कि कमी क्या उसकी, मुझे कहां काम करना है। वो मेरा पेशेंट है, मैं उसका डॉक्टर हूं, इतनी बात ध्यान देने इस बात को। और जहां जहां कमी मैं उसकी कमियों को दूर कर देता हूं, मैं इतना ही करता हूं और नंबर जम कर जाता है। उसको खुद आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है। हमने कहा एक ट्रिक है, एक कला है ये, इसको सीख लो आप नंबर पा जाओगे आप। अरे बात सबसे चीज ये है। फिर मैं कहना चाहता हूं इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, थर्ड पेपर में आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, आईएएस की बात कर रहा हूं मैं। उसमें होता क्या है कि 163 नंबर हाईएस्ट गया मेरी क्लास में जीएस के थर्ड पेपर में जिसमें इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स वाले पेपर में औसत नंबर 130 प्लस आता है, औसत एवरेज नंबर। मतलब क्लास में 10 बच्चा मेंस लिखता है ना तो 10 लगभग 130 प्लस पाते हैं, 10 बच्चे। पर वो बच्चा जो रेगुलर क्लास किया मेरे यहां, मैं ये नहीं कहता मेरे पढ़ाने से उसको नंबर मिल जाता है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं और क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाएगा आंसर को मैं उसे यह सिखा देता हूं। और इस पर मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं सिखा दूंगा मैं। अरे बात है, उस कॉन्फिडेंस के पीछे मैं खुद मेहनत करता हूं मैं, ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सारी बातें बताना इसलिए चाहता हूं मैं कि आज भी सिलेक्शन आसान है, हम थोड़ा सा सुनियोजित तरीके से अध्ययन करें, स्मार्ट स्टडी करें। और याद रखना 10 किताब एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि अब एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि हमेशा आप एक किताब को 10 बार पढ़ो। आप मैं प्रीलिम्स में बेसिक प्रीलिम्स पढ़ाता हूं मैं, पर मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है मेंस पढ़ाने का, मेंस पढ़ा, क्योंकि मेंस कॉन्सेप्ट है ये। और मैं जो चीज पढ़ाऊंगा आपको, जो चीज बार बार कहता हूं, मार्केट में जितनी किताबें देख लो आप, मेरा थोड़ा अलग क्योंकि मैं अप्लाइड पढ़ाता हूं मैं, अप्लाइड क्योंकि मुझे पता यूपीएससी पूछ क्या रहा है, अन्यथा लोग पढ़ाते क्या है, इंडियन सोसाइटी के नाम पर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं लोग, सोशल जस्टिस के नाम पर सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, और यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ वाली बात है, इसीलिए अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि सिलेक्शन होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग बात। और एक चीज, एक साल जम के मेहनत करो आप। इस बार यूपीपीसीएस की बात को, जो लोग यूपीपीसीएस का मेंस लिखेंगे उनके लिए मैं 250 से 300 क्वेश्चन फ्रेम कराऊंगा, 250 से लेकर 300 क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, देखना आप। उम्मीद है कि अधिकांश क्वेश्चन मिल जाने चाहिए उससे, 250 से लेकर 300 क्वेश्चन। पर मैं ये चाहता हूं प्रीलिम्स ना रुके आपका, प्रीलिम्स रुकने मत दो आप, मेंस मुझ पर छोड़ दो आप, बस एक बार मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहना कि जब मेंस के लिए काम करता हूं ना मैं, तब मेरी मेहनत देखना। शाम को 4 बजे शुरू करता हूं, रात में 11 बजे छोड़ता हूं, शाम को 4 बजे शुरू करूंगा, रात में 11 बजे छोड़ूंगा,
सोच लेना क्या आप इतना मेहनत कर सकते हो। अरे बातें, ये तैयार रहो आप, एकदम किया जा सकता है एकदम। मैं हर बच्चे से कहता हूं एक बार आप वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। हां ये है कि मैं गारंटी किसी चीज की नहीं दूंगा और गारंटी संभव भी नहीं है, मैं कोशिश करता हूं। जैसे 1 सितंबर से बैच चला रहा हूं मैं प्रीलिम्स का, कि मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, गारंटी नहीं है, संभावना है। क्योंकि हर साल इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उम्मीद है कि इस बार भी मिलना चाहिए, यह एक संभावना है। हर साल ऐसा होता आया है तो इस बार भी ऐसा होगा, यह संभावना है, गारंटी नहीं है। मैं हर बच्चे से कहता हूं मैं कि 10% मेरी मेहनत है, 90% आपकी मेहनत है। इसे जो 1 सितंबर से बैच शुरू करूंगा, हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। यदि आप कदम से कदम मिला के चलोगे ना, डेली के डेली तैयार करते जाओ, उसके बाद मैं कहता हूं पेपर उठाओ मार्केट का, देखो सॉल्व करो, आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं टॉपिक समझाऊंगा, जितने करंट केस हुए सारे टॉपिक उठाऊंगा और डिस्कस करता जाऊंगा। देखो ये पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, ये पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, ये आरी बात है। चलो आगे चलते हैं। स्वागत जी ने कहा है कि ऐसे का स्वागत, आप ऐसे की चिंता छोड़ दो, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो। आप ट्रेलर क्या दिखाना, मैं जब क्लास लूंगा तो 2-3 क्लास देखना। आप जो लोग कहते हैं कि 300-400 से अधिक नहीं लिख पाता हूं, मेरे क्लास के बाद 3 क्लास मत कहोगे कि सर मैटर बहुत ज्यादा, 3000 शब्द का मैटर है, इसको कम कैसे किया जाए। ये प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, पहले 300 शब्द नहीं लिख पाते हैं, मेरे क्लास के बाद 3000 शब्द आ जाते हैं। आखिर कैसे और क्यों, यही तो मैं सिखाऊंगा आपको। चलो आप, हम पारदर्शिता की बात करें, जब हम पारदर्शिता की बात करेंगे, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जैसे सब कुछ साफ है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि उस विषय वस्तु के बारे में जानना। अरे बात है, सिंपल चीज है, उस विषय वस्तु जानना, सिंपल चीज है। इसका मतलब ये है, प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय, कार्य एवं स्वयं की संपत्ति का खुलासा, हम इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। एक ब्यूरोक्रेट जब डिसीजन लेता है तो क्या डिसीजन लिया, किस तरह का कार्य कर रहा है, स्वयं की प्रॉपर्टी का जब खुलासा करे तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब यह होता है। राजनेताओं द्वारा अपनी प्रॉपर्टी की बात करें, सिंपल चीज ये कहा जाए, राजनेताओं द्वारा स्वयं अपनी संपत्ति, पृष्ठभूमि का खुलासा स्वयं करना, अपनी प्रॉपर्टी पृष्ठभूमि का खुलासा स्वयं करना, यह राजनीतिक पारदर्शिता है। प्रशासन क्या होता है, जब डिसीजन लेता है तो डिसीजन का आधार क्या है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, इसका खुलासा कर दे, इसे कहते हैं पारदर्शिता। अरे बातें, हमेशा जानते इस बात को,
अगली चीज, सिंपल चीज ये देखा जाए कि जैसे न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति का खुलासा करना, द्वारा अपनी संपत्ति का खुलासा करना, यह है न्यायिक पारदर्शिता। हरी बात है, इसे कहते हैं न्यायिक पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, अब ध्यान देना इस बात को। सिख न्यायालय में राजनीतिक दल में पारदर्शिता की बात की जा रही है, यह कहा जाता है न्यायालय में और राजनीतिक दलों में पारदर्शिता की बात की जाती है। तो राजनीतिक दलों में पारदर्शिता, पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? अब सोचो आप, सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम, सरकार किस तरह के कदम उठा चुकी पारदर्शिता के लिए? तो पहली चीज, राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपए की राशि नगद ले सकते हैं। नंबर वन, राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से 2000 रुपए कैश या नगद हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपए की राशि नगद के रूप में ले सकते हैं, अर्थात आप पॉलिटिकल पार्टी में ब्लैक मनी का प्रयोग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो ब्लैक मनी ले नहीं सकते। पहला पॉइंट आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि राजनीतिक दलों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को स्पष्ट करें, यह पूछेगा, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, राजनीतिक दल चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल के माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक दल चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल माध्यम से ध्यान से सुनो इस बात को। इसका मतलब क्या चीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपए से अधिक कैश नहीं ले सकती। यदि कैश लेगी तो केवल 2000 रुपए तक लेगी। और दूसरी तरफ देखो आप, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये क्या करेंगे, चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी चंदा प्राप्त करेंगे, चेक, ड्राफ्ट या डिजिटल माध्यम से ही ये चंदा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या चीज है, ब्लैक मनी का प्रयोग तो रुक गया जो भी होगा, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट यदि डिजिटल माध्यम से लेन देन होगा तो कौन दे रहा है चंदा, चंदे का स्रोत क्या, यह पता चल जाएगा। और तीसरी चीज, प्रत्येक राजनीतिक दल को आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर टैक्स जमा करना होगा। नंबर तीन देखो आप, प्रत्येक राजनीतिक दल को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है,
आयकर अधिनियम के अनुसार एक निर्धारित सीमा के अंदर टैक्स जमा करना होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, एक सारी बात है। पहली बात ध्यान दो इस बात को, प्रत्येक राजनीतिक दल को आयकर अधिनियम के अनुसार एक निर्धारित समय सीमा के अंदर टैक्स जमा करना होगा। बात समझ में आ रही? देखो सबसे बड़ी चीज तो यह है, अंत में देखा जाए दल की आवश्यकता पूरा करने के लिए इलेक्शन बॉन्ड की योजना बनाई गई है, दल की नंबर चार, दल की योजना बनाने के लिए एक को पूरा करने के लिए इलेक्शन बॉन्ड, हमेशा ध्यान दो इस बात को, दल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इलेक्शन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इलेक्शन बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है, इसको कहते हैं चुनावी बॉन्ड कहते हैं इसे, चुनावी बॉन्ड की बात करें हम लोग। यह बॉन्ड काम कैसे करता है, इलेक्शन जो बॉन्ड है यह काम कैसे करता है और किस रूप में काम करता है, ध्यान सुनना इस बात को। यह आपका अधिसूचित बैंक है, कोई शेड्यूल्ड बैंक है, यह अधिसूचित बैंक, यह शेड्यूल्ड बैंक है, यह क्या करेगा, इलेक्शन बॉन्ड जारी करेगा, ईबी जारी करेगा। अब सोचो जरा यह क्या करेगा, जनता है, जनता क्या होगी, इसे पैसा देगी, और जब इसे पैसा देगी तो स्वाभाविक है भुगतान ड्राफ्ट या डिजिटल रूप में होगा। चेक ड्राफ्ट के रूप में होगा। अब क्या करेगी ये जनता के पास, यदि ब्लेंटन जाएगा तो जनता क्या करेगी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, ये जनता इसको इलेक्शन बॉन्ड देगी, ये इलेक्शन बॉन्ड दे देगी। अब राजनीतिक दल क्या होगा, इस बैंक के पास जाएगा, इसके पास ईबी जमा करना, इलेक्शन बॉन्ड जमा करना, अब बैंक क्या करेगी, इसे कैश दे देगी। देखो कैसे काम कर रहा है ये, ध्यान से समझो इस बात को तो बहुत मजा आएगा। क्लियर, पूरी बात ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे, ये शेड्यूल्ड बैंक है, ये शेड्यूल्ड बैंक क्या करेगा, इलेक्शन बॉन्ड जारी करेगा जनता को, ये जो शेड्यूल्ड बैंक है ये इलेक्शन बॉन्ड जारी करता है जनता को। क्लियर, बॉन्ड जारी करेगी और जनता क्या करेगी, इस शेड्यूल बैंक को भुगतान करेगी, भुगतान चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से जैसे भी हो। अब जनता क्या करेगी, ये इलेक्शन बॉन्ड राजनीतिक दल को दे देगी, ये सब कुछ व्हाइट में चल रहा है, ये इलेक्शन बॉन्ड जनता क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी को देगी, ये
पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, ये इलेक्शन बॉन्ड किसके पास जमा करेगी? बैंक के पास जमा कर देगी या जिस जैसे भी हो, अरे बातें जारी किया, बदले में क्या होगा, इस पॉलिटिकल पार्टी को कैश मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्शन बॉन्ड क्या करेगा, चुनाव में ब्लैक मनी के प्रयोग को रोक दिया। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो व्हाइट होता है, और बॉन्ड का भुगतान कैसे हो रहा है, डिजिटल माध्यम से बॉन्ड का भुगतान होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक तो ब्लैक मनी का प्रयोग रुक जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा, चुनाव का अपराधिकरण ये भी रुक जाएगा। और जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है, कॉरपोरेट जो घराने होते हैं जो पार्टी को चंदा देते हैं, होता क्या है, कॉरपोरेट घराने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉरपोरेट मान लो घराने हैं और पॉलिटिकल पार्टी, उनके बीच एक गठबंधन होता है। कॉरपोरेट घराने क्या करते हैं, पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देते हैं फंडिंग, और बदले में कीमत वसूलते हैं, और ज्यादातर फंडिंग ब्लैक मनी के रूप में होती है। हमेशा ज्यादातर जो फंडिंग होती है वो ब्लैक मनी के रूप में होती है। बात समझ में आ गई? अब इससे क्या होगा, जब इलेक्शन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा तो ये रुक जाएगा। तो जो कॉरपोरेट घराने होते और पॉलिटिकल पार्टी के बीच जो अनैतिक गठबंधन होता है वो रुक जाता है। ये क्लियर, ये है इलेक्शन बॉन्ड की बात करें हम लोग, इसमें थोड़ा सा लिख ले। हमेशा इलेक्शन बॉन्ड जारी कौन करेगा, जैसे चुनावी बॉन्ड की बात करें, अधिसूचित बैंक द्वारा जारी बॉन्ड का भुगतान ड्राफ्ट या डिजिटल माध्यम से आप सोचो जरा, फिर किसके पास चला जाएगा, खरीदे गए बॉन्ड राजनीतिक दलों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे। बॉन्ड राजनीतिक दलों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह स्टूडेंट बैंक द्वारा जारी होगा, बॉन्ड का भुगतान ड्राफ्ट या डिजिटल माध्यम से होगा, खरीदे गए बॉन्ड राजनीतिक दलों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे, और यह पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड किसके पास जमा करेगी, उस बैंक के पास, और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को कैश में रूपांतरित कर सकते हैं। दल इस बॉन्ड को कैश के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इस इलेक्शन बॉन्ड का लाभ क्या होगा, देखो आप, ये जो इलेक्शन बॉन्ड है इसका लाभ क्या होगा, यदि हम लाभ की बात करें, सबसे पहले क्या होगा, चुनाव में काले धन का प्रयोग बंद, जो ब्लैक मनी का प्रयोग होता है वो एकदम बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, राजनीतिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, राजनीतिक ये लाभ होगा। अगली चीज, राजनीतिक अपराधों पर रोक,
रोग। और सबसे बड़ी चीज तो यही है, कारपोरेट घराने और राजनीतिज्ञों के बीच गठजोड़ कम होगा। और ये देखो ध्यान से इस बात को, मैंने क्या कहा, ये इलेक्शन बॉन्ड है। और इलेक्शन बॉन्ड की यदि बात करेंगे तो ध्यान सुनना इस बात को, चुनाव में ब्लैक मनी का प्रयोग बंद हो जाएगा, ब्लैक मनी का प्रयोग बंद। दूसरी चीज, राजनीतिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, राजनीतिक अपराधों पर रोक लगेगी और कॉरपोरेट घराने और राजनीतिज्ञों के बीच जो अनैतिक गठजोड़ होता है वह रुक जाएगा। ये एक सबसे बड़ी चीज तो ये है। फिर एक प्रश्न, अक्सर देखा होगा राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग की जाती है, इसलिए कॉरपोरेट फंडिंग में पारदर्शिता के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। अरे बात है, हमेशा ध्यान देने इस बात को, मिटा देता हूं मैं, ये बहुत बेसिक चीज आपको बता रहा हूं मैं। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बहुत बेसिक चीज जानना है। अब एक चीज ध्यान दो, राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग की जाती है, देखा जाए तो राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग की जाती है। कॉर्पोरेट फंडिंग में पारदर्शिता के लिए कुछ कदम उठाया गया। पहली बात, जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें कॉर्पोरेट फंडिंग में की जाती है, और कॉर्पोरेट फंडिंग 50-100 करोड़, कई बार 800 करोड़, 1000 करोड़ की फंडिंग होती है, और बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है कॉर्पोरेट। हम फंडिंग की बात करें, अरे बात है, एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, कॉर्पोरेट फंडिंग। फिर एक प्रश्न, आखिर कॉर्पोरेट फंडिंग में पारदर्शिता के लिए क्या किया गया? कुछ महत्वपूर्ण शर्त उठाए गए। नंबर वन, चंदा देने वाली कंपनी कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। पुरानी होनी चाहिए। आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया? देखो, होता क्या था, जब चुनाव पास आता था या चुनाव पास आता है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक कंपनी गठित कर देती है। ध्यान दो, जब चुनाव पास आता तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक कंपनी गठित कर देती है, और इस कंपनी में सारे ब्लैक मनी आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, यह कंपनी है, ये पूरा जो ब्लैक मनी है, काला धन, इस कंपनी में आ जाएगा। फिर कंपनी क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेगी, फंड देगी। आरी बात है, इस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे देती है, चुनाव जो खत्म हुआ कंपनी बंद हो गई। कंपनी का गठन इसलिए किया जाता था ताकि बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फंडिंग हो और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज किया जा सके।
उद्देश्य यही था कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या किया जाए, चेंज किया जाए। देखो आप, तो चुनाव से कुछ महीने पहले एक कंपनी का गठन होता था, इसमें ब्लैक मनी आते थे, पता चला करोड़ों डॉलर ब्लैक मनी के रूप में आ गया। अब कंपनी क्या करती थी, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करती थी। अरे बातें, आप रूल ये बना दिया गया कि जो कंपनी चंदा देगी कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। अरे बात, दूसरा रूल कि कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का 7.5% ही दान कर सकती है। नंबर 2 देखो आप, कंपनी पिछले 3 वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का 1st नियम यह बना दिया गया था, यदि कंपनी फंडिंग देना चाहती है तो 7.5% ही अपने प्रॉफिट का फंड करेगी। लेकिन वित्त विधेयक 2017 के माध्यम से फंडिंग की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया, हमेशा ध्यान दो। लेकिन वित्त विधेयक 7.5 तक फंडिंग की अधिकतम सीमा, फंडिंग की अब क्या रूल है, पहले रूल यह था कि कंपनी जब फंडिंग करेगी कॉर्पोरेट फंडिंग तो अपने प्रॉफिट का 7.5% करेगी। आप वित्त विधेयक 2017 के माध्यम से क्या हुआ, अधिकतम जो सीमा थी 7.5% वो हटा दिया गया। अब रूल ये बना दिया गया कंपनी अपने प्रॉफिट का जितना चाहे उतना पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है, लेकिन जो भी चंदा देगी सब व्हाइट में होगा। तीसरी चीज, चंदे के को कंपनी के लाभ या हानि के खाते में दर्शाना होगा। नंबर 3, देखो आप, कंपनी को हमेशा जानते इस बात को, जो भी कंपनी चंदा दे रही है ना, फंड दे रही है, कंपनी क्या करेगी अपने अकाउंट में शो करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसमें से शो करना होगा। अगली चीज देखा जाए, चंदा देने हेतु निदेशक मंडल की अनुमति आवश्यक है। हेतु निदेशक मंडल अनुमति आवश्यक कर दिया गया। अंत में देखा जाए, जिस कंपनी को दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। नंबर 5, जिस कंपनी को दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। जो चंदे की राशि का पांच गुना होगा,
कितना बेहतरीन तरीके से कॉर्पोरेट फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने का रूल बना दिया गया। पहली चीज देखो कि कोई भी कंपनी यदि कॉर्पोरेट फंडिंग करती है तो कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, यदि कंपनी फंडिंग करेगी तो चंदे को क्या होगा, लाभ या हानि के खाते में दर्शाना होगा, निदेशक मंडल की अनुमति आवश्यक है, और जिस कंपनी को दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमेशा ध्यान दो। अगली चीज देखा जाए, रूल ही बना दिया गया, वार्षिक रिपोर्ट में व्यक्ति कंपनी के नाम को उजागर करना होगा। रिपोर्ट में व्यक्ति या कंपनी के नाम को उजागर करना होगा। क्या किसे फंड दे रहे हो और किसे नहीं? फिर एक प्रश्न अक्सर देखा होगा, जब तक तो कोई व्यक्ति विधायक नहीं होता है, सांसद नहीं होता है, तब तक गरीब रहता है वो। जब विधायक बनता है तो विधायक बनने के कुछ ही वर्षों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, अच्छे मकान आ जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? यदि एक बार विधायक रह गया तो अगली बार करोड़पति बन जाता है। आखिर होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों किया जाता है? अरे बात एक पूरी बात ध्यान सुने इस बात को कि जब तक वो सांसद विधायक नहीं है तब तक गरीब है वो। ज्यों विधायक सांसद बना वो करोड़पति बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए रूल लाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जब नामांकन करेगा तो स्वाभाविक है, नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी स्वयं अपनी पत्नी और अपने आश्रितों का खुलासा करेंगे, रूल बना दिया गया। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह कहा गया था कि भाई देखो राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए स्वाभाविक है, एक प्रश्न, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? राजनीतिक दलों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या डिसीजन लिया है? पहली चीज देखो आप, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा किसी भी दल या प्रत्याशी को जाति धर्म का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में नहीं है। पहली बात ध्यान दो इस बात को, किसी भी को चुनाव प्रक्रिया में जाति या धर्म के प्रतिबंध, कितनी अच्छी बात है। और दूसरी चीज यह कहा गया कोई भी उम्मीदवार अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे मतदाताओं को बताएगा। नंबर दो, नामांकन करते समय अपने शैक्षिक आर्थिक
एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करेगा। नामांकन करते समय अपनी शैक्षिक, आर्थिक और आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करेगा। वो प्रत्याशी को अपनी, अपने पत्नी एवं आश्रितों की संपत्ति का नामांकन पत्र दाखिल करते समय कितनी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ताकि पारदर्शिता क्या हो, बनी रहे। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, कोई भी पार्टी या प्रत्याशी हो, चुनाव प्रक्रिया में क्या करेगा, वो जाति या धर्म का प्रयोग नहीं करेगा। और दूसरी चीज, प्रत्याशी को नामांकन करते समय अपनी शैक्षिक, आर्थिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करेगा। वो प्रत्याशी को अपनी, अपनी पत्नी और आश्रितों की संपत्ति का खुलासा नामांकन पत्र दाखिल करते समय करना होगा। अगली चीज देखो आप, निर्वाचन आयोग ने क्या किया पारदर्शिता के लिए। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने, अब एक प्रश्न पारदर्शिता के संबंध में, के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया कदम, चुनाव आयोग ने क्या कहा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। चुनाव आयोग ने क्या कहा, पेड न्यूज पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पेड न्यूज चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पेड न्यूज पर नियंत्रण के संबंध में निर्णय लेंगे। आखिर क्यों पेड न्यूज क्या होता है? हम पैसे देकर न्यूज को छपवाते हैं और पेड न्यूज वोटर्स को भ्रमित कर देता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे ऑनलाइन में कोचिंग सेंटर में क्या होता है, प्रचार जबरदस्त होता है। प्रचार की बात करूं मैं, कुछ लोग प्रचार के माध्यम से ऐसा माहौल क्रिएट कर देते कि लगता है उसमें एडमिशन लेने के बाद आपका आईएएस बनना तय है, ये लगता है। और बच्चा सीधे 1,00,000 रुपए देता है, बाद में पता चलता 15-20 दिन बाद वो ठगा गया। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता प्रचार के बल पर। बड़ी बड़ी ऑफिस, चमकती ऑफिस, जो एंटर करोगे ना एकदम कॉर्पोरेट ऑफिस लगेगा आपको, कॉर्पोरेट ऑफिस ऐसा लगेगा आपको। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप किया जाता है, कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, आपको लगेगा कि मैं एडमिशन ले लिया तो आईएएस में रैंक पक्का मार दूंगा।
इतने सारे नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स इतने सारे दिए जाएंगे चमकता हुआ रैपर, आपको लगेगा बस बस अब तो मैं आईएएस बन चुका हूं, बस यूपीएससी की मोहर लगनी है। क्या कमाल का इल्यूजन क्रिएट होता है, जिसे हम ब्रांड कहते हैं। उसमें एडमिशन लेने के बाद बच्चा 6 महीने तक भ्रमित रहता है, उसको लगता 6 महीने बाद उसको पता चलता वो यूपीएससी पूछ क्या रहा है, आपने क्या पढ़ा और कहां खड़े हो। ये बातें इसलिए कर रहा हूं मैं कि ऑफलाइन जब मेरी क्लास चलती है तो ऐसे ही बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर 1 साल तक तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं, लगता है कि आईएएस बन गया। 1 साल बाद पता चलता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमने ना तो लिखना सीखा, ना तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ एक फायदा मिला, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा किलो के भाव, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो का प्रिंटेड नोट्स घर पर सजाने के लिए काम आएगा आपके, लोगों को दिखाने के लिए मैं कितनी सारी किताब पढ़ता हूं, लोगों को दिखाने के काम आएगा ये। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि मैं कई प्लेटफॉर्म में जाता हूं पढ़ाने के लिए, कई प्लेटफॉर्म पर, तो जानते हो लोगों से पहला क्वेश्चन मैं सीधे कहता हूं वहां के डायरेक्टर से कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, यदि आप तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और जब मैं अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू करता हूं तो मान लिया जाए किसी कोचिंग में 500 का बैच है, यकीन करो सारे बच्चे तो मिल नहीं पाते, इसमें से 200 बच्चे आते हैं और ये कहते हैं मुझसे कि सर हम 1 साल से यहां कोचिंग कर रहे हैं, आज पता चला है कि यूपीएससी पूछता क्या, मुझे पढ़ना क्या चाहिए, वो सीधे कहते हैं अब पता चल रहा है कि मुझे आप जो पढ़ा रहे, तो उनकी डिमांड थी कि सर आप पूरा पढ़ाइए, पर दुर्भाग्य से मेरे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि मुझे अपनी कोचिंग से फुर्सत नहीं मिलती है। और जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं तब जाता हूं जब कहता हूं भाई सारे टीचर यदि बच्चे इग्नोर कर देंगे तो मैं अंतिम विकल्प में आ जाऊंगा, चिंता मत करो आप। अब मैं कहीं भी जाता हूं 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और जब जाता हूं तो बच्चों से ये कहता हूं एनी क्रॉस क्वेश्चन, आपको क्या प्रॉब्लम है क्रॉस क्वेश्चन करो, कोई टॉपिक ना समझे मैं बताओ, मैं टॉपिक समझाता हूं, क्यों नहीं समझ में आएगा, मैं इतनी बातें कहता हूं उनसे अपने हिसाब से। मैं ये चाहता हूं उस 1 हफ्ते में बता दो बच्चों को आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ रहे हो आप, 3 घंटा पागलों की तरह लिखने नहीं गए हो आप, हम लिखे जा रहे हैं, ये एकदम गलत है, ये हमेशा ध्यान दो इस बात को, आप समझने की कोशिश करो आप। पर दुर्भाग्य ये बच्चे कहते हैं सर हम प्रचार के पीछे आते हैं, लगता है ये आईएएस बना देगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, लगता है कि हम आईएएस बन जाएंगे 6 महीने बाद। जबकि अच्छे बच्चों की बात करूं मैं, मेरी ऑफिस पहले बहुत छोटी होती थी, अब तो थोड़ा सा बड़ा बना लिया मैंने, जो नए बच्चे आते उनको लगता है छोटी सी ऑफिस ये क्या पढ़ाएंगे, जो सीनियर बच्चा आता है ना, एक बैच में पढ़ाया था, उस बैच में बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़े थे, यकीन कर सकते हो, जमीन पर फर्श पर बैठ के बच्चे पढ़े थे, कोई क्या पढ़ सकता है, क्लास की क्षमता थी 40-50 का, अचानक 70-80 बच्चे और सबको पढ़ना ही पढ़ना था, तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो सारे बच्चे जमीन पर बैठ गए और पढ़ने लगे, लेकिन सारे के सारे सीनियर बच्चे थे, फ्रेशर तो आता ही नहीं मेरे पास, नया बच्चा मेरे पास नहीं आता है, जान तो क्यों नहीं आता है, वो प्रचार के पीछे भागता है। जैसे क्या कमाल का प्रचार, फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, और लोग फेयर एंड लवली खरीद रहे हैं गोरा होने के नाम पे, सर पे तेल लगाओ बाल उगाओ, लोग तेल खरीद रहे हैं बाल उगाने के लिए, लगता है फेयर एंड लवली लगा लूंगा, तेल लगा लो बहुत स्मार्ट बन जाऊंगा, इससे बड़ा इल्यूजन क्या होगा, ये भ्रम क्रिएट किया जाता है। और सबसे ज्यादा भ्रम क्रिएट किया जाता है कोचिंग के क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं फिर भी ये बातें कह रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा मैंने क्लास में कहा था कि नैतिकता पढ़ाई जाती है मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, दिल्ली की बात करूं, और सबसे ज्यादा अनैतिक प्रचार मुखर्जी नगर और करोल बाग में होता है, इस हिसाब से बार बार कहता हूं मैं कहता हूं देखो हो सकता मैं कम चीज पढ़ाऊं, पर जो पढ़ाऊंगा ईमानदारी से, मैं हर बच्चे से कहता हूं भाई मेरी ये चीज कमजोर है,
मैं ये चीज नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये समझ के मेरी एडमिशन लेना। अरे बात है, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं क्या आप कॉन्सेप्ट को, मैं ये मुद्दा क्यों उठाया कि किस तरह पेड न्यूज कैसे इल्यूजन क्रिएट करता है, कैसे भ्रम क्रिएट कर देता है इल्यूजन। अरे बात है, ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। और ये सारा गेम किसका है? पेड न्यूज का है। हमेशा ध्यान दो, ये पूरा जो खेल है पेड न्यूज का खेल है, और चुनाव आयोग इस पर रोकने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जब तक पेड न्यूज पर रोक नहीं लगेगी, तब तक चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रह पाएगी। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? चुनाव आयोग ने जिला और राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेड न्यूज के मामलों की जांच हो। नंबर वन, चुनाव आयोग ने जिला एवं राज्य अधिकारियों को ताकि पेड न्यूज के मामलों की जांच हो। हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ही लेता हूं मैं, कि मेरे पास 10-12 बच्चों का ग्रुप आया हुआ था। कमेंट पर भी ध्यान दो, हाँ जी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। दस बारह बच्चों का ग्रुप आया हुआ था, उसने कहा कि सर एक बड़ी सी इंस्टीट्यूट है, प्रचार का जबरदस्त खेल, हम लोग गए जब एडमिशन लेने के लिए, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि 1000 यदि वैकेंसी आती तो 500 रिजल्ट उसके उस कोचिंग से आता है, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। जब बच्चों ने एडमिशन लिया तो पहले दिन डायरेक्टर ने क्या कहा, आप सब लोग आईएएस बनने के लिए तैयार हो जाओ। कहा जब हम लोग का उस कोचिंग में एडमिशन हुआ, उन बच्चों ने कहा हम लोग 1.5-2 लाख रुपए उस कोचिंग में दे दिए। जब पैसा दे दिया तो हम लोग के घर में जश्न मनाया गया, कुछ कोचिंग में एडमिशन हो गया, अब तो आईएएस बनना तय है, बस यूपीएससी की मोहर लगेगी। अरे बातें, इतनी बातें, आप हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को। उन बच्चों ने कहा कि 10-12 दिन बाद ये लगा कि पढ़ा क्या रहा, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, टीचर क्या आता था, नोट्स लेके आया, बोलना शुरू किया, बच्चे कंटिन्यूस लिख रहे हैं 3 घंटे, समझाने का कोई मतलब नहीं है। अरे कोई समझाने का मतलब नहीं है, केवल बच्चे लिखे जा रहे हैं, यह स्थिति। 15 दिन बाद उन बच्चों ने उस कोचिंग को छोड़ दिया। तब तक हर बच्चा 1.5-1.7 लाख हर बच्चा जमा कर चुका था, बच्चे छोड़ दिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा भाई आपको मेरे यहां फीस देनी होगी, क्योंकि मैं टीचर को पे करता हूं, मैं स्टाफ हूं, लगातार मेहनत चल रही है, आप नहीं पेमेंट करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च कहां से आएगा। ये बात हमेशा ध्यान दो, ये है इल्यूजन, किस तरह भ्रम क्रिएट किया जाता है। और दुर्भाग्य से क्या होता है, हमेशा ध्यान दो, दुर्भाग्य से क्या होता है कि पेड न्यूज का गेम हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है लगातार। चुनाव आयोग इसी पर रोक की बात कर रहा है, ये ताकि चुनावी प्रक्रिया क्या हो, पारदर्शी हो। और इसने क्या कहा, पेड न्यूज की जांच हेतु जिला राज्य स्तर पर एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नियुक्ति की। नंबर दो,
नंबर दो, पेड न्यूज, की जांच के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी नियुक्ति पर बल। और तीसरी चीज, विधि आयोग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी बात देखो, विधि आयोग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है, मिटा देता हूं। आखिर क्या गाइडलाइन जारी की इसने, ये कहा, पेड न्यूज एवं राजनीतिक विज्ञापन की परिभाषा, पेड न्यूज एवं राजनीतिक विज्ञापन की परिभाषा को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पहली बात तो ये करो आप। दूसरी चीज ने कहा पेड न्यूज को राजनीतिक अपराध घोषित किया जाए। न्यूज को राजनीतिक अपराध ये देखो आप, दो बातें, फीड न्यूज और राजनीतिक विज्ञापन की परिभाषा को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में शामिल किया जाए, और नंबर दो, पेड न्यूज को राजनीतिक अपराध घोषित किया जाए, मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें दंड मिलना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को क्या किया जाए, हरी बात, ऐसे उम्मीदवारों को क्या किया जाए के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाए, यह कहा गया था विधि आयोग। शेष बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे, पर मैं बताना चाहता हूं, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, देखो आर आपका कैरियर है, मैं ये नहीं कहता मेरे यहां पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, लिखना सीखना। सचिन बनने के लिए निरंतर प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा कोच हो जो लगातार आपको प्रैक्टिस कराए। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जितने भी प्रिंटेड नोट्स हैं उसके पीछे मत भागो, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स कट पेस्ट होता है, कट पेस्ट होता है, उससे बेहतर ये कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। आप एनसीईआरटी में जितनी चीज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं सारी चीजें हमारे इथिक्स के नोट्स को हजारों लोगों ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, पढ़ाया हूं हिंदी में, कम से कम मुझे जो डेली फोन आता है कि सर मैं ट्रांसलेट कर लिया, सर मैं ट्रांसलेट कर लिया, और कुछ वर्ड्स को लेकर दिक्कत है सर, प्लीज उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं यार मैं दिन भर मेरी क्लास चलती है, इंग्लिश में क्या हेल्प कर सकता हूं आपकी मैं, और आपकी जो क्लास है हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी, जो जो मैं क्लास ले रहा हूं, लोगों को पता चला ओ यूपीएससी में ये माप पढ़ना चाहिए और इस तरह पढ़ना चाहिए। अरे बात है, क्यों क्रक्स को जानो ना, लिखना कितना है 150 शब्दों में, होता ही कितना है, 8-10 पॉइंट कर ले जाओगे आप। ओके,
हम मिलते हैं कल शाम को, मिलेंगे 7 बजे क्वेश्चन आंसर के साथ। मैं चाहता हूं लाइक करो और शेयर करो, कमेंट अच्छे करो आप लोग, ताकि मेरा भी मनोबल क्या हो, बढ़ता रहे। फिर मैं कहना चाहता हूं जो हमारी गवर्नेंस हार्डली 2 या 3 क्लास और चलेगी, बस 2 या 3 क्लास गवर्नेंस की मेरी और चलेगी, उसके बाद गवर्नेंस हमारा खत्म हो जाएगा। उसके इंडियन सोसाइटी लेके आऊंगा, पर अभी बताना चाहता हूं इंडियन सोसाइटी में 4 या 5 क्लास आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। उसका उद्देश्य यह कि आप जानो कि इंडियन सोसाइटी पढ़ा कैसे जाता है, और पूरी क्लास ऐप पर आ जाएगी। ऑफलाइन कमेंट में मिल जाएगा। हेवेन नाम तो बड़ा अच्छा है, हेवेन। एक बात हमेशा ध्यान दो, कमेंट बिल्कुल यूट्यूब पर कमेंट जाएगा ना, तो लोगों को पता चलेगा ओ ये अच्छा है, ये गुड। मैं यही चाहता हूं आप सबसे, आप लाइक करो, शेयर करो, आप कमेंट करो। कमेंट करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर जानते हो क्या होगा, चैनल ग्रो करेगा ये निश्चय का। खैर आप स्वतंत्र हो, कहना मेरा फर्ज है, स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, थैंक यू।